हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दुर्गा नर्सरी एंड प्लांटेशन। आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे शेयर करने वाला हूँ। ज़्यादातर क्लाइंट आते हैं, उनकी शिकायत रहती है कि हमारे प्लांट मर जाते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं हम और पता लगता है कि उनको आउटडोर प्लांट इंडोर का बोल के दे दिया गया है। बोगनविलिया प्लांट नॉट बैल्कनी के लिए दे दिया गया है। ऐसे कई तमाम प्लांट हैं जिनकी डायरेक्शन बहुत ज़्यादा गलत तरीके से ले ली जाती है या दे दी जाती है। बट यहाँ दुर्गा नर्सरी एंड प्लांटेशन में आते हो तो हम आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे आपके साथ। आपको आपसे पहले पूछेंगे कि आपको किस बैल्कनी में प्लांट रखना है। जैसे आपने अगर नॉर्थ बैल्कनी अपने प्लांट बोला और अगर आप फ्लावर के शौकीन हैं तो आपको फ्लावर वाले प्लांट वहाँ के लिए बिल्कुल नहीं दिए जाएंगे। आपको दिए जाएंगे लीफी प्लांट, कुछ कलरिंग वाले प्लांट, वो हम इंडोर का सेक्शन आपको देंगे। अगर आपकी साउथ बैल्कनी है, साउथ बैल्कनी में आपसे पूछेंगे, आपने बोला कि मुझे बोगनविलिया रखनी है, तो आपसे हम डायरेक्शन पूछते हैं कि आपको कहाँ रखना है। आपने बोला कि हमारी साउथ बैल्कनी है, तो वहाँ के लिए फिर हम आपको बोगनविले ही दिखाएंगे। तो ऐसे हमारे यहाँ पर जब आप आते हो, आपको डायरेक्शन पूछ के हम प्लांट देते हैं और जिससे आपके प्लांट ना केवल चलते हैं, लॉन्ग लास्टिंग भी रहते हैं प्लांट और प्लांट की हेल्थ भी अच्छी रहती है। जिस प्लांट को धूप मिलनी होती है उसे धूप मिलती है, जिसको छाएँ मिलनी होती है उसको छाएँ भी मिलती है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि प्लांट किसी को भी हमारे नर्सरी भाई लोग दे रहे हैं तो उनकी डायरेक्शन ज़रूर पूछ के दें, पता करके दें, जिससे कि उनके प्लांट क्लाइंट के कस्टमर के प्लांट ना मरे। क्योंकि हमें सिर्फ बेचना ही नहीं है, एक हमारा शौक खुद का भी होना चाहिए। और हमें प्लांट से जब तक हम खुद प्यार नहीं करेंगे तो दूसरे सामने वाले को हम प्लांट्स आई डोंट थिंक कि हम उन्हें इतने खुश होकर दे पाएंगे। तो आइए आज मैं आपको दिखाता हूँ कुछ नॉर्थ बैल्कनी में अगर आप प्लांट रख रहे हो तो वैसे वो कौन से प्लांट होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, एग्लोनीमा प्लांट आप रख सकते हो, डफन बेचिया रख सकते हो, ड्राइसिना आप रख सकते हो। आप अपने अगर वहाँ पर वेंटिलेशन अच्छा है, खुला है, आपकी जैसे बैल्कनी होती है खुला है, पूरी हवा आती है बस धूप नहीं आती है, उस जगह ड्राइसिना रख सकते हो, फर्न रख सकते हो, एरिका पाम रख सकते हो, केन पाम रख सकते हो, शफलेरा रख सकते हो आप। रबड़ प्लांट भी कुछ हद तक चल जाता है वहाँ पर, शफलेरा में है, क्रोटन चल जाते हैं आपके। और ऐसे कई शेडी प्लांट्स हैं जिसकी मतलब ऐसी बहुत वैरायटी है, स्नेक प्लांट हो गया, जो आप ये रख सकते हो। अब बात करते हैं आपकी ईस्ट बैल्कनी। ईस्ट बैल्कनी में 12 बजे तक की लाइट होती है, वहाँ क्या क्या पौधे रख सकते हो। उस जगह आप थोड़े फ्लावरिंग वाले प्लांट रख सकते हो, क्योंकि 2 से 3 घंटे की समर में तो सनलाइट मिल जाती है बट विंटर में प्रॉब्लम हो जाता है। ईस्ट आपका नॉर्थ बन चुका होता है क्योंकि वहाँ जब तक सनलाइट नहीं आती है, सनलाइट जो निकलती है वो 1 घंटे की रह जाती है। तो उस जगह भी आपको फिर ईस्ट से प्लांट विंटर्स में आपको साउथ में लेके जाने होते हैं। तो आप बताने का हमारा पूरा रीज़न ये है कि आप जो भी अपने प्लांटिंग कर रहे हैं तो आप पूछ के लें, और हमारे यहाँ आते हो तो आपको बताएंगे ही डेफिनेटली। बट इस तरह से आप करते हो तो आपके प्लांट बिल्कुल नहीं मरेंगे और लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, प्लांट ज़्यादा टाइम तक चलेंगे और आप भी प्लांट की तरह मुस्कराएंगे, हंसेंगे, जो ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।